मुझे सबसे पहले तो आज जो इस्तेमाल हो रहा है 18 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण, उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ओर से, राजस्थान वासियों की ओर से, नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राजस्थान को लेकर जो रुचि दिखाई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अभी जब उनका संबोधन चल रहा था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि डिटेल के अंदर किसी राज्य के बारे में केंद्रीय मंत्री का इस प्रकार से सोच रखना, विस्तार से रूट्स के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में, वहां के जो प्रोटोकॉल है या वहां का जो बैकग्राउंड है, किस प्रकार से प्रदेश की उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से वहां टूरिज्म का सेक्टर बढ़ सकता है, किस प्रकार से रोजगार मिल सकते हैं, किस प्रकार रोड्स का महत्व है, और आपने अपने मंत्रालय से जिस प्रकार से रोड सेंक्शन की है और करने जा रहे हैं, आज भी घोषणा करी आपने, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि आप जब से मंत्रालय के मंत्री बने हैं तब से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। पहले हमारे राजस्थान के डॉक्टर सी पी जोशी जी थे, तब भी कई रूट्स राजस्थान में स्वीकृत हुई थी, पर आपके आने के बाद में और आपने उन कामों को बहुत आगे बढ़ाया और जिसका विस्तृत विवरण आपने खुद ने भी दिया, मैं उस बातों में आपको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। गजेंद्र शेखावत जी ने जोधपुर और संभाग के बारे में बड़ी बात कही, वही वही कॉमन समस्या, वही कॉमन मांगे हम लोगों की है, पर आपने उन समस्याओं के बारे में भी जो विशेष रूप से जो एलिवेटेड रोड की बात करी, वास्तव में आपकी सोच सही है। ऑर्डिनरी वे में वो एलिवेटेड रोड नहीं बन सकती जोधपुर के अंदर, जब तक तो आपने भी कहा कि स्पेशल टेक्निकल उसके लिए डीपीआर बनेगी तो ही वो संभव हो पाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतने विस्तार से गए हैं हर चीज के लिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, मंत्रीगण, सिंह जी सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में काफी कार्यों का शुभारंभ भी हो रहा है और विशेष रूप से कुछ मार्गों का लोकार्पण भी हो रहा है। विशेष रूप से जयपुर रिंग रोड इसमें से एक महत्वपूर्ण है और जयपुर रिंग रोड के बारे में मुझे याद है कि इसका काम अनेक दिनों तक बंद पड़ा था, कॉन्ट्रैक्टर भी लगभग काम करने की स्थिति में नहीं था, बैंकों की भी अड़चनें थी और बहुत कठिनाई में ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। वसुंधरा जी और यूनुस खान जी, उस समय वो मुख्यमंत्री और उस यूनुस खान जी मंत्री थे, मैंने बैंकों के लोगों को बुलाकर, हमारे अधिकारी भी तैयार नहीं थे, हमने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और कुछ जो काम किया था राजस्थान सरकार का उसके पैसे भी दिए और वो काम NHAI ने पूरा खर्चा करके अब पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर के लोगों के लिए ये रोड बहुत आवश्यक था और इसका काम जो पूरा हुआ है इसके लिए मैं जयपुर की जनता को भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से इस काम में वसुंधरा जी और यूनुस खान जी ने भी उस समय बहुत बड़ा सहयोग किया था, नहीं तो ये काम बहुत कठिन था, होने लायक नहीं था, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से राजस्थान में NH की लंबाई 2014 के पहले 7,809 किलोमीटर थी और वो 2020 में 10,661 किलोमीटर हुई है। इस समय 33 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट भी हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान विशेष रूप से
एक टूरिज्म के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। और मैं इसलिए कहता था कि रोड अच्छे बनेंगे तो टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट अगर आते हैं तो 49% एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये रोजगार पर होता है, रोजगार मिलता है। मैंने उस समय वसुंधरा जी को भी सुझाया था, पर अब मैं आदरणीय गहलोत जी को सुझाऊंगा कि टूरिज्म के लिए राजस्थान के पास खूब झीलें हैं। और मैं जब ये वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने एक योजनाएं भी बनाई थी, आप शेखावत जी भी उसमें है, पर इसमें MPBS सी प्लेन जो हवाई पट्टी पर भी उतरता है और पानी पे उतरता है, जिसकी शुरुआत अभी सरदार सरोवर के उसमें जो वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना है वो सी प्लेन शुरू हुआ है। तो गहलोत जी, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इसको जरूर शुरू करिए, उसके लिए आवश्यक नियम उस समय मैंने पूरे बैठकर बना लिए हैं, और अभी स्पाइस जेट वालों ने काफ़ी बड़ा इसमें काम करने का तय किया है। अगर आपकी आवश्यकता होगी तो मैं उनके साथ, आप प्राइवेट में करिए, पर राजस्थान के कुछ लोग अगर आगे आके ये प्लेन खरीदते हैं और ये सर्विस अगर चालू हो जाएगी कि एक झील से निकलकर दूसरे झील में उतरेंगे तो टूरिज्म बहुत बढ़ेगा और राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में एक बार जरूर हो, और जिसके लिए पूरी सहयोग करने के लिए भी मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ।